हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ सॉफ्ट टॉय हैं और ये मेरी बेटी के टॉय हैं। कुछ ए स्माइली है येलो कलर वाला और इसकी भी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो ये जो जितने भी टैडी हैं इनकी मैं रुई सबसे पहले तो निकाल लूँगी। और जो ये मेरे पास स्माइली है ना, इसमें ना रुई ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम हो गई है, पिचक सा गया है। तो इसमें तो मैं ज़्यादा रुई इसमें भर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने रुई को धूप में इस तरीके से रख के ना उसको अलग अलग सा कर दिया है, मतलब जिससे कि वो थोड़ी फूली फूली सी हो जाए। पूरा दिन की धूप मैंने लगवा दी है इसको। इस स्माइली को भी मैंने धो दिया था और अब मैं इसमें ज़्यादा रुई भरूंगी ताकि ये अच्छा सा दिखाई दे जाए। तो जितनी रुई इसमें भर जाएगी मैं उतनी भरूंगी। रुई भरते समय बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, घर में आसानी से भरी जा सकती है। ऐसे धीरे धीरे करके हम इसको में भरते जाएंगे और एक साइड से जहाँ से मैंने इसको खुला छोड़ा था थोड़ा सा सिल लेंगे। इसको सिलने के बाद फिर देखेंगे कि इसमें सही से रुई जहाँ जहाँ कम हो रही है ना वहाँ वहाँ पर हम ना थोड़ी थोड़ी और डालते जाएंगे, हाथों से धीरे धीरे सेट करते जाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी गोलाई भी आ जाए। अब पूरी रुई इस तरीके से सेट करने के बाद इसको सिल देंगे और देखना अब ये कितना अच्छा सा कुशन तैयार हो गया है हमारा। और अब जो रुई बच गई थी ना उसको मैंने इस छोटे से पिल्लो में भर दिया है। मैं छोटा पिल्लो लेके ही सोती हूँ, ज़्यादा ऊंचा पिल्लो नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें वो रुई भर दिया। ये मेरा एक छोटा पिल्लो भी बन गया है। और ये जो मैंने टैडी काटा था ना, इसका हेड है जो, इसका मैं सोच रही थी कि डस्टर बना दूँ, लेकिन मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा इसका तो पर्स बना दो। तो अब मैं उसके लिए पर्स बनाऊँगी। वैसे ये डस्टर भी बन जाता है, इसमें पीछे हम इलास्टिक डाल देते और ये अच्छा सा एक डस्टर बन सकता था, बट उसको पर्स चाहिए तो मैं उसके लिए पर्स बनाऊँगी अब इसका। और अब जो ये टैडी के नीचे का हिस्सा है इसको भी मैं फेंकना नहीं चाहती थी। तो ये एक पुराना सा स्टिकर पड़ा था मेरे पास, मैंने ये चिपका के इसको ऐसे वॉल पे हैंग कर दिया है। बच्चों को ऐसी फ़नी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने उसके स्टडी टेबल के पास में ही इसे हैंग किया है। चाहे तो इसमें स्टेशनरी का सामान भी रख सकती है, बट मैंने इसको ना एक मनी प्लांट इसमें हैंग कर दिया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इस हेड का पर्स बनाते हैं। यहाँ पर मेरे को ना दो ये आँखें लगानी है। ये आँखें मैंने इस वाले एलिफेंट में से निकाल दी थी। तो इस एलिफेंट के कपड़े को मैंने फेंका नहीं है, उसको रख दिया है। उसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी, लेकिन अभी यूज़ नहीं करूँगी, बाद में यूज़ करूँगी। तो ये जो आँखें होती हैं ना इन टैडी की, ये बड़ी आसान होती हैं लगानी। इस तरीके से छेद करके हम पीछे से उनको बंद कर देते हैं। और अब ये एक पुरानी मेरे पास जिप पड़ी हुई थी उसी को मैं लगा दूंगी। अगर वाइट कलर की या पिंक कलर की होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे पास इस कलर की पड़ी थी तो मैं ना इसको अभी ग्लू गन से ही चिपका रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़े दिन का शौक होता है। ग्लू गन से अच्छे से चिपक जाता है, जल्दी नहीं निकलता है। तो अगर ज़्यादा आप चाहते हैं कि मजबूती, तब फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि दो चार दिन खेल के बच्चे फिर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने ग्लू गन से ही चिपका दिया है। और ये मेरे पास एक पुरानी माला रखी हुई थी जो ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको काट के यहाँ पे चिपका दिया है। ये स्टेप बन गई है इसकी और इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो गया है। तो भाई स्कूल से आने के बाद मानी को मिल गया है पर्स और अब वो पूरी तरीके से खुश हो गई है कि मम्मा ने उसके लिए पर्स बना दिया है। बच्चे इतनी छोटी सी चीज़ के खुश हो जाते हैं, दो चार बार खेल के वो इसको छोड़ देगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही यूज़ कर लें उसको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।